अगर गोपाल कांडा को उन्होंने समर्थन किया और गोपाल कांडा ने उनका समर्थन लिया है तो जरूर हम इस बात के ऊपर बैठ करके विचार करेंगे हमें क्या करना है आगे इस पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं अनिल चौधरी और मैं आज एलनाबाद विधानसभा के गांव कुतियाना के अंदर मौजूद हूं जहां पर इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सुबह से इंतजार था जब से भाजपा प्रत्याशी सिरसा ने अपना नामांकन वापस लिया है उसके बाद में जो है अंदेशा यही लगाया जा रहा था कि वो गोपाल कांडो को अपना समर्थन देंगे तो उसी को लेकर जो है प्रतिक्रिया जानने के लिए हम लोग गांव कुतियाना के अंदर पहुंचे हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा आइए जानते हैं। पवन के आने के बाद चुनाव का माहौल तरफा हो गया। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां जो है आज इन हालात में है कि दोनों में से कोई भी सत्ता में अपने बलबूते पे नहीं आ सकते, दोनों बहुमत से दूर है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब सत्ता की तरफ बढ़ रही है, आज विड्राल हुए। विड्राल के बाद कौन कौन इंडिपेंडेंट रहेंगे, जो जीतने वाले इंडिपेंडेंट्स होंगे अगर वो हमारे से संपर्क करेंगे, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से अलग हट करके चुनाव लड़ेंगे, हम उनसे अगले एक दो दिन में बातचीत करेंगे और हम अपने गठबंधन को और बड़ा कर देंगे। गठबंधन की ही सरकार बनेगी, वो दूसरा सत्ता में नहीं आ सकता। सिरसा में आज बीजेपी जो उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन वापस दे दिया अपना, गोपाल कांडा को समर्थन। हम इस पे विचार विमर्श करेंगे कि अगर गोपाल कांडा को उन्होंने समर्थन किया और गोपाल कांडा ने उनका समर्थन लिया है तो जरूर हम इस बात के ऊपर बैठ करके विचार करेंगे हमें क्या करना है आगे इस पे। मैं अपने साथियों से विचार विमर्श करूँ। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन दे दिया है, वो दे दिया होगा, उसने लिया नहीं लिया इस बात पे देखना होगा। गोपाल कांडा ने यूं तो कोई भी कह देगा कि हमने उसको समर्थन दे दिया, हमने उसको समर्थन दे दिया। हो सकता है कल को कोई कांग्रेस वाला किसी एक आधे बीजेपी के पदाधिकारी की जेब में दस रुपये डाल करके कह दे भी तू ये भी कह दे वैसे को भी समर्थन दे दिया बदनाम करने के लिए। मैं सारी बात की पड़ताल करूंगा, गोपाल से इस बारे में बात करूंगा। अगर गोपाल कहेगा कि मैं बीजेपी का समर्थन लूंगा तो हम इस पर जरूर विचार। गोपाल कांडा लगातार 3 दिन से कह रहे हैं कि तीसरी बार भी भाजपा की सरकार ही बनेगी। मेरे आगे ये बात नहीं है, ये आपने बताई है। आज मैं अगर कोई ऐसी बात है तो इसके ऊपर बातचीत करूंगा जरूर और बातचीत करके ही फैसला करें। आपके सत्र में दूसरे पार्टी के नेता भी है, कांग्रेस आए हैं, कांग्रेस के और भी नेता हैं आपके सत्र में जैसे जैसे मेरे संपर्क में आएंगे जो जो ज्वाइन करेंगे उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत सारे लोग हैं, अभी शुरुआत है, बहुत सारे साथी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है मान के चलो कोई भी सभ्य आदमी उसके साथ नहीं रहेगा, हर हालत में उसको छोड़ दिया। इसको बोलने की तमीज दी है जो चार लोगों के बीच में बैठ नहीं सकता, कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेगा, हर हालत में ऐसे लोगों को छोड़ दिया। कल आप डबवाली थे, डबवाली में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? डबवाली के अंदर डबवाली गाड़ावाली रानिया एलनाबाद यहाँ तक भी सरसा हम पांचों सीटें आज की तारीख में जीत रहे हैं। गोपाल कांडा का बयान आया था इनेलो बसपा और गोपाल कांडा मिलकर बीजेपी को समर्थन देंगे। गोपाल कांडा हमारे लिए कैसे कह सकता है कि हम समर्थन देंगे? हमने गोपाल कांडा को समर्थन दिया, गोपाल कांडा ने हमें समर्थन नहीं। ये फैसला बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी कि हमने आगे क्या करना है। नामांकन वापस होने के बाद में कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम पहले भी कह रहे थे कि बीजेपी और इनेलो एक ही बात है और आज ये साबित हो गए हैं सिरसा के अंदर। फिर तो अमीरचंद चावड़ा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेज पे कहा था कि भावी मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कल दौलतपुरिया वोट मांग रहा था, कह रहा था इनक पे मोर लगाना,
अशोक अरोड़ा ने उसके सामने खड़े होकर के कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुप पे मोर लगा कर के मुझे भारी बहुमत से जिताना। इसका मतलब किसी की भी जबान स्लिप होगी तो फिर ये ठेकेदार बन जाएंगे। ये जो जिन कांग्रेसी नेताओं की तू बात करता है उनको पूछो तुम्हारी औकात क्या है। हमारी सेल्जा को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं, विवादित बयान दिए जा रहे हैं। ये जो इस तरह के बयान देते हैं ना कांग्रेसी, जो अपने आप को सभी नेता मानते हैं, इनको रात को घर में रोटी भी नहीं मिलती। मैं जानता हूँ इनको बहुत नजदीक से, इन सबकी हालत मुझे पता है। 25 का प्रोग्राम किस तरह से रहने वाला है? बहुत जबरदस्त होगा, लाखों लोगों के लाखों लोग आएंगे और 25 को तो ये साबित हो जाएगा कि गठबंधन की सरकार बन रही है। क्या कह रहे शैलजा के लिए? शैलजा के लिए तो वीडियो वायरल हो रही है, आपत्ति जनक शब्द यूज किए गए। आप ये देखो कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कितने बड़े बोल है, किस तरह से महिलाओं के लिए टिप्पणियां करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं। उनको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि माता बहन के बिना, बिना महिला के बिना तुम पैदा कहाँ से हो। अगर वो अपनी माँ की अपनी बहन की इज्जत नहीं करना जानते कि आप उनको ये मान के चलते हो कि ऐसे लोग विधानसभा के लोकसभा के सदस्य बनेंगे, इनके खिलाफ राजनीतिक एक्शन होना चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सर जेपी सांसद ने भी इस तरह की टिप्पणी की थी। कोई भी करे अगर महिलाओं के खिलाफ या किसी जाति विशेष के खिलाफ कोई इस तरह की टिप्पणी करता है उसको राजनीति से दूर कर देना चाहिए, उसका सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। कुछ इंडिपेंडेंट आप कह रहे थे, कोई संपर्क हुआ है किसी से? आज शाम से शुरू होगा ना संपर्क, आज तो अभी विड्राल हुए, आज हो जाएगा शाम को। अभी तो मैं अपना कार्यक्रम कर रहा हूँ, अपने कार्यक्रम खत्म करूँगा उसके बाद बीच बीच में आए मेरे पास फोन है, लेकिन पहले सारी बातों की तसल्ली करूँगा फिर बैठ करके तय करूँगा। तो स्वागत किसका है तो बता दे। कांग्रेस वालों का स्वागत हो रहा है, जयप्रकाश का बहिष्कार किया 5 गांव में, कांग्रेस का कितना बड़ा विरोध है। स्वागत कही है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का है, बाकी तो सारे के सारे विरोध भाष जो है इनका अपने आप ही खुद करवा रहे हैं, खुद इस किस्म की भाषा बोलते हैं जिससे लोग गुस्सा करते हैं फिर इनका विरोध होता है। ठीक है, अलोपा को लेकर कब क्लियर हो जाएगा सर? सारी बात तो न भी बता दें बहुत तेज है। ठीक है।